उत्तराखंड में अगले एक महीने में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की चारधाम यात्रा और उसके कुछ समय के बाद में टूरिज्म सीजन की शुरुआत होने वाली है। और ये पिलग्रिमेज और टूरिज्म सीजन में एक बहुत बड़ी समस्या जो कि हर साल बढ़ती जा रही है वो प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर के है, जो कि हमारे प्रदेश की नदियों को, हमारे जल जंगल जमीन को, हमारे पहाड़ों को, हमारे फॉरेस्ट एरिया को, हमारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को और हमारे जानवरों को एक भारी क्षति पहुंचा रही है, बड़ा डैमेज कर रही है। इस वीडियो में मेरा एक बड़ा पिन पॉइंटेड और स्पेसिफिक क्वेश्चन कोका कोला कंपनी, पेप्सी, मैगी, नेस्ले, फ्रूटी, पार्ले, परफेक्टली वैन माले, पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तमाम छोटी बड़ी कंपनी से यह है कि इस बार की चारधाम यात्रा और उत्तराखंड के टूरिज्म सीजन को लेके आपका पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट को लेके क्या स्पेसिफिक एक्शन प्लान है। आप लोगों की एक टेंडेंसी गोल पोस्ट को शिफ्ट करने की है। एक तरफ आप ही कहते हैं कि जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपनी कलेक्शन और अपनी रिसाइकलिंग को बेहतर करना चाहिए। उसी के साथ में आप लोग जिम्मेदारी पब्लिक के ऊपर डाल देते हैं और आप कहते हैं कि पब्लिक को और अवेयर होना चाहिए। मैं जहां आपकी इन बातों से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होता है कि आपका स्पेसिफिक एक्शन प्लान इस पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट को लेकर क्या है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन स्वयं कैसे कर रहे हैं? कोई बड़ी बड़ी ग्लोबल स्टेटमेंट्स या कोई ग्रीन वॉशिंग करने से जो हमारा लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो यहां पर सॉल्व नहीं होती। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप मुझे और अन्य लोगों को ये जवाब देंगे और ये बताएंगे कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और उत्तराखंड के टूरिज्म सीजन में इस पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट को हैंडल करने का आपका क्या स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड एक्शन प्लान है। थैंक यू सो मच।